मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आप सब लोग सूचना के अधिकार के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसा मौलिक अधिकार आपको दिया गया है जिसके अंतर्गत आप देश में होने वाली समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो जानकारी जो देश हित में हो या जिसको देने से देश को खतरा उत्पन्न होता हो वो जानकारी आपको नहीं प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानना है, सरकार ने क्या क्या कार्य अब तक किए हैं और सरकारी ऑफिस से जुड़ी हुई समस्त जानकारी को आप सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस जो है वह दो तरीके से होती है। एक होती है ऑफलाइन, जिसमें आपको एक आवेदन फिलअप करके देना होता है। एक होती है ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऑनलाइन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई आवेदन आप कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम चर्चा करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम को ऑनलाइन आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन सूचना का अधिकार यानी कि RTI फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशियली वेबसाइट जो है वो मैंने यहाँ दे रखी है आपको, RTIonline.government.in। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके आवेदन के जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले सबमिट रिक्वेस्ट के बटन में को क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें सारी गाइडलाइंस होगी। यानी सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएं, इस वेबसाइट को ओपन करें। जैसे ही वेबसाइट को ओपन करेंगे एक सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके अंदर पूरी गाइडलाइन दी होगी कि आप कैसे कर सकते हैं आवेदन। अब आप दी गई गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि आपने पूरी गाइडलाइंस पढ़ ली है और फिर सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म जो है वो खुलकर आएगा। इस फॉर्म को आप दो भाषाओं में, हिंदी या इंग्लिश में, अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। जब आप इस बात को सबमिट करेंगे, कंफर्म करेंगे कि आपने पूरी गाइडलाइंस को पढ़ लिया है, तो फिर एक फॉर्म ओपन होगा और फॉर्म आपके पास दो लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो आपको जो भाषा सुटेबल लगे, जिसमें आप अच्छे से अपनी सारे जानकारी को लिख सकते हो, जो आप चाह रहे हो उसको लिख सकते हो, तो उन भाषा का आप चुनाव करें। आप चाहे तो हिंदी का कर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश का कर सकते हैं। अब आपको यहाँ जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी चाहिए उसके अनुसार फॉर्म को पूरा भरना होगा। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि फॉर्म में सभी डिटेल सही सही होनी चाहिए। अब आपको जिस डिपार्टमेंट का चाहिए, यानी मान लीजिए आपको किसी स्कूल की जानकारी चाहिए या आपको किसी सरकारी अधिकारी के बारे में जानकारी चाहिए या आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो कि मंत्रालय से जुड़ी हो, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट की आपको जानकारी चाहिए होगी उस जानकारी को, उस डिपार्टमेंट का जो फॉर्म आएगा उसको आपको अच्छे से फिलअप करना है, पूरा डिटेल में भरना है और आपको ये देखना है कि आपने जो भी जानकारी आपको चाहिए थी वो आपने क्या सही सही भरी है। फॉर्म को सही भर लेने के बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपलोड करना होंगे। अब एक बार फिर यहाँ आपको नीचे सबमिट बटन मिलेगा, उस बटन को आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसके पश्चात फिर आपको क्या करना है, सबमिट करने के बाद आपको इस फॉर्म का एक रिसिप्ट मिलेगा।
आप इस रिसिप्ट को स्टोर करके रख लें या फिर इसका भी प्रिंट आउट निकाल लें। जब आप इस फॉर्म की स्टेटस चेक करेंगे तब आपको इस रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन बहुत ही आसान है, आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी सूचना के अधिकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से घर बैठे इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपको जो वेबसाइट दे रखी है उस पर जाना है, उसको क्लिक करना है, सबमिट रिक्वेस्ट को क्लिक करना है, फिर पूरी डिटेल आपको पढ़नी है, जो गाइडलाइंस उन्होंने दे रखी है उसको पढ़ने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, फिर एक फॉर्म खुलेगा, दो भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश, आपको जो भाषा आसान लगे उसमें आपको फॉर्म को लिखना है। लेकिन आपको जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी चाहिए होगी उसके अनुसार आपको फॉर्म को पूरा भरना होगा। जैसे आप मान लीजिए आपको किसी टीचर की जानकारी चाहिए, शिक्षा विभाग में आप आवेदन दे रहे हो और आपको किसी टीचर के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको शिक्षक का नाम लिखना होगा, किस स्कूल में है वो लिखना होगा, और आपको जो जानकारी चाहिए जैसे आपको ये जानकारी चाहिए कि वो कितने बजे आता है कितने बजे जाता है तो आपको वो भी लिखना होगा, कितने दिन की आपको जानकारी चाहिए यानी कि एक महीने की उसकी डिटेल चाहिए, 15 दिन की चाहिए, 10 दिन की चाहिए, तो ये सब आपको लिखना होगा। यानी कि आप जो जो चाहते हैं वो आपको डिटेल में लिखना होगा और बिल्कुल क्लियर लिखना होगा, साफ साफ लिखना होगा। उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए, फिर आपके पास एक रिसिप्ट का भी ऑप्शन आएगा। अब उस रिसिप्ट को आप चाहें तो अपने मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप जहाँ से भी आप कर रहे हो वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। जब भी आप स्टेटस चेक करेंगे यानी आपको ऑफिस के बार बार जाके चक्कर नहीं लगाना है, आप कंप्यूटर पे अपना जो पासवर्ड आईडी आपको दिया होगा, जो स्टेटस आप देखना चाहते हैं और जो फॉर्म की प्रिंट आपने निकाली है उसके आधार पर आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये सूचना का अधिकार को पाने का और उसके आवेदन अप्लाई करने का। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।